हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं जावा में नया टॉपिक कंस्ट्रक्टर, जो कि हमने C++ में पढ़ा है। ठीक, C++ में कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक, और कितने प्रकार के होते हैं ये सब हमने C++ में पढ़ा है। यकीन नहीं पढ़ा है तो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जावा में जो कंस्ट्रक्टर होता है ये एक प्रकार का होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है ये कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है एक विशेष मेंबर फंक्शन होता है जावा में, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। क्या काम करता है? इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक, तो इसके बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे प्रोग्राम के थ्रू, और देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है तो इसके लिए क्या यूज होता है। जैसे क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, इसके लिए अलग से फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, और कंस्ट्रक्टर जो होता है तो वो क्लास के नेम के ही अकॉर्डिंग उसके मेथड्स के नेम होते हैं। जिस क्लास, जिस तरह से, जिस मतलब जैसे हम जो क्लास बनाएंगे, ठीक ना, तो जो क्लास के नेम रहेगा वही उसके मेथड्स का नाम होगा। तो कैसे होगा हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, सिंटैक्स के थ्रू देखेंगे। ठीक, और इसमें जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं वो पैरामीटर के थ्रू पास होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे। और हाँ, ये कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है कंस्ट्रक्टर। ठीक, चाहे जावा में हो चाहे C++ में, दोनों में ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज होता है तो इसके सिंटैक्स चेंज होते हैं, प्रोग्राम बनाने की ट्रिक चेंज होती है। चाहे कोई भी लैंग्वेज होगी जहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर यूज होता है वहाँ पर इसके कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। ठीक, तो हमने क्लास बनाई, माई कॉन्स कॉन नाम से मैंने क्लास बनाई। ठीक, और इसे हमने ओपन किया, और जिस नाम से देखिए इंट डिक्लेयर की। ठीक, और इसमें क्या हमने मेथड बना देना है कि जिस नाम से क्लास रहेगी उसी नाम से मेथड बनेंगे। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, एक क्लास है तो क्लास को हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने क्लोज किया इसके बीच में, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब इसका जो मेन फंक्शन होगा तो हम मेन क्लास बनाएंगे, क्लास में एक मेन बनाएंगे। ठीक, और इसके हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट? जो क्लास का नेम होता है, ठीक, उसके आधार पर माई कॉन, आइकॉन हो गया। ठीक, ये क्लास का नेम जो रहेगा वही नेम हमने लिखा, और ऑब्जेक्ट का नेम ओबीजे वन। ठीक, इक्वल न्यू ऑपरेटर, ये क्या है? न्यू ऑपरेटर है एक, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, और ये जो क्लास का नेम होता है, और फिर हम क्या बनाएंगे, जो क्लास का नेम है आइकॉन सब मेथड। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। यदि आपने इस ट्यूटोरियल का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, तो आप देख सकते हैं, या आप पिछले ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हैं, और देखना है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है कैसे, ओबीजे वन डॉट, यही कॉल कर दिया हमारी कॉल मेथड। ठीक, ये हो गए मेरे। और यदि आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं कि जो आउटपुट है वो शो हो, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओबीजे वन डॉट एक्स। ठीक, क्लोज करते हैं। तो इस तरह से भी होता है, अगर हम इसे ना भी लिखें, ठीक है ना, क्या करें, हम इसको ना भी लिखें तो भी अपना काम होता है। ठीक, इस तरह से हम बना सकते हैं, और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं।
ये होता है क्या, कॉन्स्ट्रक्टर होता है, जो कि सिंपल डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, जिस तरह से C++ में डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर होता है, उस तरह से हम बोल सकते हैं ये डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। तो मतलब कॉन्स्ट्रक्टर उसी नाम से बनता है जिस नाम से क्लास, जो क्लास का नेम होगा ठीक वही उसके मेथड का नाम हो जाता है। तो ये बन जाता है क्या, एक तरह से डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। अब हम बात करेंगे पैरामीटर, ये है डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। अब हम बात करने वाले हैं पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर की। ठीक, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या करना होगा कि जैसे हम क्लास बनाते हैं तो क्लास का नेम रहेगा ठीक, वही मेथड नाम रहेंगे, लेकिन मेथड्स में पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो कैसे, मैं सिंटैक्स बताता हूँ उसके प्रोग्राम को। जैसे हमने क्लास बनाई माई वन नाम से, ठीक माई वन नाम से बना दिया। अब इसमें हमने इंट a और b ले लिया, ठीक ये हुए वेरिएबल। और फिर इसके बाद हमने मेथड्स भी एक नाम से बना दिए, इसमें भी my1 और मेथड्स बनाने में क्या हुआ, इसमें int x और y ले लिया। ठीक, और इसमें क्या कर दिया हमने, a बराबर x और b बराबर y, ये हमने पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर बना दिया। ठीक, तो जिस तरह से पैरामीटर बनते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो इनकी वैल्यू वहाँ भी इनिशियलाइज की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, मेन क्लास बना के हमने बना दिया, जिसे यहाँ पे क्लोज किया, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब ये बना क्लास, ये हमने क्या बनाया क्लास, ये नई क्लास मेन क्लास। ठीक, ये हुआ मेन क्लास। अब यहाँ पे हम क्या बना देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। तो कैसे बनेगा, माई वन ऑब्जेक्ट वन जनरल न्यू, फिर माई वन मेथड। ठीक, अब यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं कैसे, देखिएगा ओबीजे वन डॉट, ओबीजे वन डॉट, हमने क्या करना है ओबीजे वन डॉट, यहाँ पे जैसे हमने दिया गया इन एक्स और वाई है ना, तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे ठीक ना, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं प्लस और पाँच। ठीक, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, बस हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतने में ये प्रोग्राम पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर अपडेट हो जाता है और ये वैल्यू आउटपुट में दिखा देगा आपको। ठीक, तो ये होता है पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर। मतलब कहने का सिर्फ इतना मीनस है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें चेंज होती हैं कि पैरामीटर दे दी जाती है, पैरामीटर कोई भी हो, एक से ज़्यादा हम बना सकते हैं। अब हम अगले ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि पैरामीटर, ये जो कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है तो वो कैसे होता है। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको अगले ट्यूटोरियल में दिखाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक, तो ये हमने आज पढ़ा डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर। अब कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ।